रावण का आक्रामक रूप देखकर श्री राम की सेना के सभी योद्धा चिंतित हो गए थे। श्री राम उनकी चिंता समझ गए। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और अन्य वानर वीरों को बुलाया और समझाते हुए कहा कि अंतिम विजय उनकी ही होगी, क्योंकि सच्चाई उनके साथ है। और श्री राम ने ऐसा कहा क्योंकि वो इस युद्ध का सच जानते थे, पर उन्हें मानव लीला का धर्म रखना था। जबकि दूसरी ओर पवन कुमार हनुमान रावण के अंत के लिए ब्रह्म बाण लाने का उपाय सोच रहे थे। ज्योतिषाचार्य के रूप में वो मंदोदरी से ब्रह्म बाण का सारा रहस्य जान चुके थे, किंतु समझ नहीं पा रहे थे कि मंदोदरी की उपस्थिति में उस बाण को प्राप्त कैसे करें। अब क्या करूं प्रभु, आपकी कृपा से ब्रह्म बाण का पता तो लगा लिया, किंतु देवी मंदोदरी के सामने उस बाण को कैसे प्राप्त करूं? कितना दुख होगा महारानी मंदोदरी को, उनका विश्वास टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कुछ सूझ नहीं रहा, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मुझे राह दिखाएं। क्या सोच रहे हैं आचार्य? यदि यहाँ ये बाण सुरक्षित नहीं है तो मैं उसे वहीं रखूंगी जहाँ आप गए। यही तो मैं सोच रहा हूँ देवी, कि ये बाण कहाँ और कैसे सुरक्षित रहेगा। शीघ्रता करें आचार्य, मुझे बहुत भय लग रहा है, वो युद्ध भूमि में है और विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है देवी, होना तो वही है जो प्रभु चाहे। फिर भी आप विलंब ना करें आचार्य, समय बीत रहा है और आप चिंता ना करें देवी, मैं तंत्र विधि से आपका कष्ट हरण करता हूँ, किंतु ध्यान रहे इस विधि से हम केवल आपके कल्याण के लिए ही नहीं संसार के कल्याण के लिए भी प्रयास करेंगे। अरहर बम बम, अरहर बम बम, अलख निरंजन। ये तो ठीक है आचार्य, पर कोई शंका प्रकट न करें देवी, मैं अपनी तंत्र विधि से बाण को सुरक्षित करता हूँ। ओम रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः। आप महान हैं परमपिता, ऐसे कठिन समय में इतने सिद्ध आचार्य को मेरे पास भेजकर आपने मेरी चिंता दूर कर दी है। ज्योतिषाचार्य के रूप में हनुमान से मिलकर मंदोदरी के मन को बहुत शांति मिली। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और देव पूजन के लिए महल के देवालय को निकली। इधर श्री राम रावण से लगातार युद्ध करते हुए चिंतित हो उठे। ये युद्ध अब तक के सभी युद्धों से भयंकर था। ऋषि महर्षियों की भी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अनेकों भयानक अस्त्रों की वर्षा करने के बाद भी लंकापति रावण का अंत नहीं हो पा रहा था। तभी श्री राम को परामर्श देने के लिए महर्षि अगस्त्य का आगमन हुआ। प्रणाम महर्षि अगस्त्य, आप? आपकी जय हो श्री राम, युद्ध का परिणाम शीघ्र प्राप्त हो। मैं भी इस एकांत में यही विचार कर रहा था जी। रावण कोई साधारण वीर नहीं है, महादेव ने उसे अनेकों वरदान दिए। केवल वरदान ही नहीं श्री राम, देवादि देव ने उसे अनेकों दिव्यास्त्र भी दिए हैं। रावण का चंद्रहास खड़क उन्हीं का दिया हुआ है। उस खड़क की विशेषता है कि उसका प्रहार कभी निष्फल नहीं हो सकता, किंतु भगवान शिव की दी हुई ये शक्तियां विनाश के लिए नहीं है। इसीलिए यदि आप रावण पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं तो महादेव आपका समर्थन ही करेंगे। लंकेश ने अपनी कठोर तपस्या से परम पिता ब्रह्मा को भी प्रसन्न किया है महर्षि, उन्होंने उसे एक दिव्य बाण भी दिया है, उस दिव्य बाण से ही उसकी मृत्यु संभव है। ये सच है श्री राम, किंतु सबसे बड़ा सच ये है कि आप अपना मनोबल बनाए रखें, फिर रावण को जिसने अमरता का वरदान दिया है वही उसकी मृत्यु का कारण है। मेरा आपसे निवेदन है
कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भुवन भास्कर सूर्य की कृपा से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। रावण की कुंडली पर विचार करते हुए मैंने अनेक रहस्यों पर मनन किया है और उसी के आधार पर मैं आपको यह परामर्श दे रहा हूँ। ऐसा क्या है लंकेश की कुंडली में, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ महर्षि। श्री राम, एक विचित्र संजोग ये है कि लंकेश और आपका लग्न एक ही है। अर्थात लंकेश का भी जन्म तुला लग्न में हुआ है। हाँ, किंतु रावण की राशि भी तुला ही है। इसके साथ लग्न में पंचमेश और दशमेश की युति है। ये पंचमेश राजयोग बना रहा है, दशमेश के साथ चंद्रमा के होने से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इसीलिए रावण का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है। चतुर्थ भाव की क्या स्थिति है महर्षि? प्रजा, भूमि और संपत्ति से संबंधित चतुर्थ भाव में सप्तमेश और धनेश मंगल उच्च राशि का है, इसीलिए रावण अतः संपत्ति का स्वामी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि धर्म भाव का स्वामी बुध नीच का है, इसीलिए वो अपने सभी संबंधियों का उद्धार अवश्य करेगा और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसका उद्धार आपके ही हाथों होगा। इसका अर्थ तो ये भी है कि लंकेश रावण किसी की बात नहीं सुनने वाला है। तभी तो उसने किसी की बात नहीं सुनी श्रीराम, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के समझाने पर भी उसने देवी सीता को नहीं लौटाया। रावण का सच श्री राम से बढ़कर और कौन समझ सकता है, पर उन्होंने महर्षि अगस्त्य की बातें बड़े ध्यान से सुनी और साथ ही उसका विश्लेषण भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महर्षि द्वारा दिए गए परामर्श का भी अनुपालन किया। मैं आपके बहुमूल्य परामर्श के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ महर्षि। कल सूर्योदय के साथ ही हम आदित्य हृदय स्तोत्र से भुवन भास्कर की उपासना आरंभ कर देंगे। एक ओर श्री राम महर्षि अगस्त्य के कहे अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे थे और दूसरी ओर लंकेश रावण महादेवी से उनके दिए वरदान का प्रतिफल मिल रहा था। आज आपका उपासक लंकापति रावण असमय ही आपके पास आ गया, किंतु इन परिस्थितियों का निर्माण तो आप ही कर रही हैं। रावण ने आपकी सिद्धि की है, आपकी साधना में स्वयं को मिटाया है, आपको प्रसन्न किया है देवी, फिर भी आप मौन हैं, क्यों? आप शक्ति की देवी हैं, किसके लिए बचा रखी है आपने अपनी अनुकंपा? आपका वरदान यदि इस युद्ध में काम नहीं आया तो क्या अर्थ रह जाएगा इस शक्ति का? महादेवी, मैं दशकंधार रावण आपसे वनवासी राम पर विजय मांगता हूं, विजय और केवल विजय, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। प्रभु श्री राम, पवन कुमार अब तक नहीं लौटे, कहीं उस ब्रह्मास्त्र का पता लगाने में वो किसी संकट में तो नहीं पड़ गए? हनुमान पे मुझे पूर्ण विश्वास है रक्षेंद्र, वो उचित समय पर अवश्य आ जाएंगे। हाँ प्रभु, परंतु
ब्रह्म बाण प्राप्त करना भी तो महत्वपूर्ण है। हनुमान जिस कार्य को आरंभ करते हैं वो अवश्य पूर्ण होता है। ठीक है प्रभु, पर जब तक पवन कुमार नहीं आ जाते तब तक आप महादेवी की साधना कर लें। महाकाली महाशक्ति के रूप में सदा लंकेश की रक्षा करती हैं, इसीलिए लंकेश रावण का वध करने से पूर्व महाशक्ति का आशीर्वाद लेना ठीक होगा प्रभु। देवी में मेरी पूरी आस्था है रक्षेंद्र, मैं उनका आशीर्वाद अवश्य लूंगा। पवन कुमार लंका से ब्रह्म बाण लेकर लौट आए फिर मैं देवी पूजन आरंभ करूंगा। अभी तो यहां देवी मंदोदरी भी नहीं है, ब्रह्म बाण लेने का इसलिए अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? किंतु कैसे संभव होगा ये? मुझे मार्ग दिखाए प्रभु, ब्रह्म बाण तो खंभे में छिपा हुआ है, क्यों ना मैं इस खंभे को ही उखाड़ कर श्री राम के पास लेता चलूं? नहीं नहीं, कहीं प्रभु को ठीक नहीं लगा तो वो कहेंगे कि तुम हर बार ऐसा ही करते हो, तो मैं इस खंभे को ध्वस्त कर देता हूं। जय श्री राम। अरे ये खंभा तो मेरे एक ही प्रहार में खंडित हो गया, किंतु इसमें बाण तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा बाण, वाह कितना सुंदर बाण है। आचार्य कहाँ है आचार्य? हे प्रभु अब क्या करूं, देवी मंदोदरी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु कुछ कीजिए प्रभु, अब मुझे आकाश मार्ग से शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। जय श्री राम। आचार्य आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आचार्य? आचार्य टूटे खंभे के अवशेष को देखकर मंदोदरी के प्राण सूख गए। किसी भयानक आशंका के काले बादल उसकी चेतना पर छा गए। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ छल हुआ है। गिरती पड़ती हुई वो बाहर आई, किंतु उसे क्या पता था कि बाण लेने वाला आकाश मार्ग से जा चुका है। उसने दासियों और प्रहरियों को पूरी लंका छान मारने का आदेश दिया और मन ही मन सोचने लगी कि ये कार्य कहीं उस वानर का तो नहीं जिसने लंका को जला डाला था। रामा